8:15 पर क्लास स्टार्ट होती, और मुझसे पहले पहले कौन कौन आया हुआ आज? हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चले अच्छा हो गया, हरीम से तो पहले आ गया मैं, इवन 8:15 पे भी हरीम नहीं आई थी। हाँ हाँ नाउ इट्स पर्सनल, एक दफा वो कैसे जल्दी आ गए। खैर जी, आवाज अगर आ रही हो तो प्लीज बता दें। किसी को आवाज आ रही है मेरी? ओके थैंक यू। चले जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, हम लोगों ने कल जो है वो पढ़ना शुरू किया था इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग शुरू किया था, ठीक है ना। सो मार्केटिंग के लिहाज से अब जरा थोड़ी सी बातें करनी है, और कल हम लोगों ने बेसिक प्रेमिसेस के बारे में बात की थी कि मार्केटिंग असल में होता क्या, और आज जो हम लोगों ने बात करनी है इट्स अबाउट के मार्केटिंग के अंदर जो हम लोगों ने कल जो कस्टमर्स का नाम लिया था वो कस्टमर्स होते क्या हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा, चैप्टर वन मार्केटिंग का जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ये असल में है सारा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, मोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज आपको समझाई जाएंगी। जैसे मैं हर यूनिट से पहले आपको टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ ना, तो जब मैं टर्मिनोलॉजी समझा दूंगा ना तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसे फायदे नुकसान सब चीजें करते कराते, तो वो टर्मिनोलॉजीज के अंदर ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ अभी आज टर्मिनोलॉजीज भी स्टार्ट करेंगे, तो आज असल में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मार्केटिंग भी स्टार्ट कर देंगे, विच इज मेरा ख्याल है अगर 12वां चैप्टर जो है वो है तो ये 16th चैप्टर होगा, चैप्टर 16 होगा बुक के लिहाज से, ठीक है, तो बुक के लिहाज से। अच्छा जी, अब कल हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास मार्केटिंग है, और मार्केटिंग जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स है। तीन स्कैम्स के बारे में बात की थी, एक स्कैम हमारे पास कमर्शियल बैंकिंग है, एक स्कैम हमारे पास ये मार्केटिंग है विच इंक्लूड्स द सोशल मीडिया एज वेल, और एक स्कैम जो है वो आपका फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग इसको डिफेंड भी करते हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या लुमिनाटीज, ठीक है, तो ऐसा की ये चीजें। एनीहाउ, तो अब मार्केटिंग के अंदर जो हम लोगों ने चीज समझनी है वो ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो कस्टमर तक पहुंचना है, उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करना, अवेयर करना, कन्विंस करना, और उसके उसको परसुएट करना, सही है। तो अगर तो आप ये चारों चीजें कर सकते हैं और उसको रिटेन करना बाद में, और रिटेन करने के साथ साथ उसको ना सिर्फ रिटेन करना बल्कि उसको ब्रांड लॉयल के अंदर कन्वर्ट करना, अगर तो आप ये सब काम कर सकते हैं तो आपकी मार्केटिंग अच्छी है, सही है। जैसे आपकी क्लास में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट एडमिशन नहीं है खानदान का वेल्स कॉलेज के अंदर, या आप में से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद वहाज साइंस स्कूलिंग सिस्टम से मूव करके वेल्स कॉलेज में आए हैं, और वो सिर्फ अकेले नहीं है, तो भाई क्यों नहीं है, व्हाई इज दैट सो? हो सकता है शायद कुछ पेरेंट्स का ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ हो कॉलेज के ऊपर, क्या हमारा फलाना स्टूडेंट जो है या खानदान में बच्चा जो है वो पढ़ के निकला, गॉट गुड ग्रेड्स, नाउ ही इज डूइंग फाइन और शी इज डूइंग फाइन, देयरफॉर वी रिकमेंड कि दैट कॉलेज इज गुड। जैसे एक मैं सबसे बड़ा जो मैंने अभी तक कोई खानदान पढ़ाया है उससे तक मैंने 5 अफराद पढ़ा दिए, सही, और सालाना आते हैं, ठीक है, हम आया था, फिर समीर आया था, फिर रोशन आया था, फिर दुरैन आई थी, फिर उसके बाद अभी लालैन है, और उस वक्त जो है मेरे ख्याल से अरीश, वो पूरा खानदान ही पढ़ा दिया उन्हें, 6 लोग पढ़ा दिए खानदान, माशाल्लाह एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड। तो अब पॉइंट क्या, असल में जो पहला बच्चा था उसामा, दैट पर्टिकुलर किड वॉज द वन जिसको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि यार ये शख्स जो बोल रहा है ना सामने बिजनेस स्टडीज के लिए, यार इट मेक्स सेंस, और उसकी लाइफ बन गई, या उसने बना ली, या उसको चीज समझ आ गई, उसने कन्विंस किया अपने घर वालों को कि मेरा भाई भी इससे पढ़ा है, उसने क्रेडिट ले लिया, वो आईएमए में पहुंच गया, इन दोनों ने कहा बेटा जी इस बंदे से पढ़ लो, ये कॉलेज से पढ़ लो, इससे वारे आ जाते हैं, कजन को भेज दिया, कजन ने अपनी बहन को भेज दिया, बहन ने अपनी बहन को भेज दिया, भाई ने अपने भाई को भेज दिया, खानदान आ गया, ठीक है। तो ये क्या चीज है, मकसद वो बन गए एकदम से आपके लॉयल, ठीक है। जैसे सनी है, हरीम है, हरीम की बहन को, सनिया को और शाजर को मैंने ख्याल से दोनों को मैंने ही पढ़ाया। पॉइंट के कि यार ये चीजें जो होती है ना ये एक सीक्वेंस में चलती है, ठीक है,
और ऐसा ऐसा डेवलप लॉयल्टी डेवलप होती है। बहुत सारे लोगों के खानदान में, मैं साइंसेस में समझता हूँ कि दो से तीन टीचर्स ऐसे हैं जो तकरीबन चार या पांच बच्चों को एक ही खानदान के पढ़ा चुके हैं इसी कॉलेज के अंदर, और डिफरेंट कॉलेजेस में ये चीज होती है। तो अब ये चीज जहन में रखो भाई, ये कौन सी सही की है यार, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कन्विंस करने में कामयाब हो गए। जब कन्विंस करने में कामयाब हो गए तो अब आएगा, सही है, रेला आएगा। ठीक है, आप में से कन्विंस हो गया तो जैसे हरीम अब आएंगे, मतलब क्लास भले 8 बजे हो, भले 8:15 पे हो, भले 8:30 पर हो, भले रात के 8:30 बजे हो, आना लेट ही है, ये भी कस्टमर की एक क्वालिटी होती है। तो हम कस्टमर्स के मुतालिक हम बात कर रहे हैं, सही है। तो कस्टमर्स मैंने कल बताया था कि चार तरह से कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर नंबर वन रेंडम, अब मैं एग्जाम्पल्स के साथ बात करूंगा और फिर हम इस बारे में लिखेंगे, सही। तो आज हमने कुछ लिखना भी। रैंडम कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी नीड होती है एंड दे वांट टू फुलफिल देयर नीड रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड। ये बात समझ आइए। कस्टमर्स ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनको जिनको काम करना होता, ठीक है ना, और जब वो काम करने के मतलब होते हैं तो उनको सिर्फ अपनी नीड फुलफिल करनी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लग रही, ठीक है, अब भूख लगने का मतलब क्या है? मुझे कुछ भी खिला दे भाई, मुझे भूख लग रही है। तू ब्रांडेड खाएगा? अबे ब्रांडेड हो अनब्रांडेड हो भाई, भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मर जाऊंगा मैं यहीं खड़े खड़े, दे दो मुझे। फ्राइज खाएगा या ओपीजीबी के मायो फ्राइज खाएगा? कुछ भी दे दे भाई, मुझे भाड़ा में गया ओपीजीबी। यार ओपीजीबी जाना है ना, तुम्हें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें टाइम नहीं है या ब्रांड ब्रो, कोई ब्रांड ब्रांड से मुझे कुछ, मुझे भूख लग रही है, मुझे अभी मकई खिला दोगे मैं मकई खा लूंगा, मुझे चिप्स खिला दोगे मैं चिप्स खा लूंगा, मुझे बर्गर खिला दोगे मैं बर्गर खा लूंगा भाई, मुझे बिरयानी खिला दोगे बिरयानी खा लूंगा। मैं आई एम नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट ब्रांड, नेवर बीन एंड विल एवर बी, ठीक है। तो ये चीज जो जब आपने की ना, तो आप बन गए रैंडम कस्टमर। इसका मतलब है कि आपको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन सी टाइप की प्रोडक्ट, ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट इज देयर, समझ आ गई? तो आपका असल कंसर्न है टू फुलफिल योर नीड, ठीक है। आप अपनी नीड को फुलफिल करें, अल्लाह लगा। प्यास लग रही है पानी पी लें, प्यास लग रही है कोल्ड ड्रिंक पी लें, जूस पी लें, रिगार्डलेस। यार ये फ्रूटो, यार फ्रूटो अच्छा ब्रांड नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज होती है रैंडम कस्टमर। इनका फोकस नीड को फुलफिल करना होता है, रिकवर उसके नीड का कवर करना होता है। ब्रांड से और प्रोडक्ट की नेचर से और प्रोडक्ट के डिजाइन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी टाइप के कस्टमर्स आते हैं, हैबिचुअल कस्टमर्स। अच्छा, हैबिचुअल कस्टमर्स का एक और नाम भी है, उनको हम लोग फ्रीक्वेंट कस्टमर्स भी बोलते हैं। यानी हैबिचुअल एक आदत बनी हुई है, ठीक है, आदत ऐसी जिसके मैं मरने वाला नहीं हूँ, फ्रीक्वेंट है, हाँ यार हफ्ते में एक आध दफा कर लेते हैं, ले लेते हैं चीज, ठीक है। रैंडम तो ऐवे ही ना, मकसद रैंडम, सही है। तो अब हैबिचुअल कस्टमर, इसका एक और नाम क्या होता है? फ्रीक्वेंट कस्टमर, सही है। ये दुकान पे जाएगा, जाके दुकान पे पूछेगा, अंकल आपके पास लेज मसाला है? वो चिप्स नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि कुछ खाने के लिए है या नहीं, वो ब्रांड इंक्वायर करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंट है ना, हैबिचुअल है, उसकी हैबिट बनी हुई एक सर्टन ब्रांड या सर्टन चीज खाने की, सर्टन चीज को कंज्यूम करते, बी इट सर्विस, बी इट बी एनीथिंग, ठीक है। आपसे कहा जाए यार चल पिज्जा खाने चलते, तो आपके जहन में एकदम से होगा यार चल यार पिज्जा हट चलते। अभी पिज्जा हट क्यों है आपके जहन में यार, सही है ना? आपके जहन में ब्रॉडवे क्यों नहीं है? अब ठीक है, आपकी हैबिट जाते हैं पिज्जा हट, सुना है, ठीक है चलो ठीक है, इन जनरल पिज्जा हट कह देंगे, यार चल ना आज यार ब्रॉडवे चलते, चलो ठीक है। अगर ये चीज हो रही है कि आपने पिज्जा हट नाम लिया और आपको पिज्जा हट नहीं मिला फॉर एग्जाम्पल, और आपको ब्रॉडवे मिल गया, यानी यू इजीली गो विदाउट एनी रिग्रेट्स, विदाउट एनी क्या कह सकते हैं रेजिस्टेंस, आपने इजी सब्स्टिट्यूशन कर ली है एंड यू आर इक्वली हैप्पी, तो इसका मतलब क्या है कि यू आर हैबिचुअल कस्टमर, यू आर यू बेसिकली हैव नो इश्यूज इन सब्स्टिट्यूटिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड और सब्स्टिट्यूटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। तो आप दुकान वाले अंकल के पास गए, अंकल से बोला अंकल आपके पास लेज मसाला है? अंकल ने कहा बेटे लेज मसाला तो नहीं है, कुरकुरे पड़े हुए या कर्लीस पड़े हुए या सुपर क्रिस्प पड़े हुए, ठीक है अंकल सुपर क्रिस्प लिया,
आराम से पैसे दिए, घर आ गए खुशी खुशी, उतने ही इत्मीनान से, उतनी ही खुशी के साथ, उतनी ही सेटिस्फेक्शन के साथ आपने खाया और आपकी डेट फुलफिल हो गई। ठीक है, क्या है? ये बेसिकली आप हैबिचुअल कस्टमर, आपकी हैबिट है, मिल गया लेज अच्छी बात है, नहीं मिला मरने वाली बात नहीं है, समझ आ गई है? तो ये चीज होती है आपकी हैबिचुअल कस्टमर। आप लोग किसी रेस्टोरेंट के लिए हैबिचुअल होते हैं या चलते हैं, वहां चलते हैं आप, ठीक है, बस कोई बंदा जो है वो काफी अरसे से 14 फरवरी बना रहा है, ठीक है, और उसको 14 फरवरी बनाते बनाते उसको एक जिंदगी गुजर गई उसकी, और हर साल किसी और के साथ बनाता है, तो उसको पता है कहाँ जाना है, ठीक है, तो हैबिचुअल है, सही है, तो हैबिचुअल है यार चलना वहां चलते हैं, ओके ठीक, अगले साल किसी और को बोलेगा चल वहां चलते हैं, हैबिचुअल, मिल गई जगह ठीक है, नहीं मिली कोई बात, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी सी एग्जांपल्स ना आजकल के ये जनवरी और फरवरी के अंदर, मेरी 14 फरवरी से बड़ा लिंक करेंगे वो, मैं आप लोगों को टीज भी करूंगा कि जलते वो जो है ना जलते ख्यालात जो है आप लोगों के, उबलते ख्यालात जो है, जज्बात जो है, उनको और ट्रिगर करूंगा। खैर तो अब सिचुएशन इस तरह से है यार कि हमारे पास दो तरह के कस्टमर्स हो गए, एक कस्टमर हमारे पास हो गया जो नीड को फुलफिल करने के लिए भागता है, सही, और सर्च करता है कि विच प्रोडक्ट सेटिस्फाइड द नीड परफेक्टली, सही है। दूसरा जो है वो आपका ब्रांड इंक्वायर करता है लेकिन उसके उसके लिए पागल नहीं, तो इजी सब्स्टिट्यूशन, ब्रांड इंक्वायर जरूर करता है लेकिन इजी सब्स्टिट्यूशन। तीसरा जो टाइप का कस्टमर होता है वो होता है वैल्यू सीकर, सही है, या वैल्यू फाइंडिंग कस्टमर। वैल्यू सीकर जो होता है ना, ये वो कस्टमर होता है जिसको प्रोडक्ट से, नीड से, ब्रांड से कोई उसको फर्क है, उसको नीड से भी फर्क नहीं पड़ता, सही है, उसको ब्रांड से भी फर्क नहीं पड़ता, उससे प्रोडक्ट से भी फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ उस ऑफर से फर्क पड़ता है जो किसी भी प्रोडक्ट के साथ अटैच हो, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, बिल्ला वजह के अंदर वो वाला टूथपेस्ट उठा लेगा जिसमें टूथब्रश फ्री होगा, घर में 25 टूथब्रश पड़े हुए हो, लेकिन नहीं हम तो वो वाला खरीदेंगे जिसके साथ दो चाय के डब्बों के साथ एक चाट मसाला फ्री मिलता है। अरे भाई चाय अच्छी नहीं है उसकी यार, चाट मसाला तो आ रहा है ना यार, सोचो चाट मसाला, रमजान के अंदर चाट बनेगी, तो रमजान जब आएगा तो बनेगी ना, अरे कोई बात नहीं अब इसे स्टॉकिंग करेंगे यार, सॉरी स्टॉक वो स्टॉक वो दूसरा वाला स्टॉक नहीं है, ये ओ सी के वाला स्टॉक, अब इसे स्टॉक करेंगे तो चीज होगी ना यार, टेंशन क्यों लेता है यार, फाइट किस जेम के अंदर स्ट्रैटेजी है। ऐसी चीजें, ऐसे कस्टमर्स आप कभी भी ग्रॉसरिंग करने के लिए जाएं किसी भी मॉल में या कभी किसी में, उनका सोच का तरीका ही डिफरेंट होता है। वो जैसे फॉर एग्जांपल वो जाएंगे सोप्स में जाएंगे, ठीक है, अब सोप्स में उनके घर उनके लिस्ट में लिखा होगा 3 सोप चाहिए, वो बिला वजह के अंदर 4 सोप वाला पैकेट उठा लेंगे क्योंकि उसके साथ 5वां छोटा सोप फ्री। अबे 3 की जरूरत है यार, 4 की जरूरत नहीं है, क्यों ले रहे हो, 5वां फ्री मिल रहा है ना। ओह ये जाएंगे दुकान वाले अंकल के पास, इनसे पूछेंगे नहीं अंकल चिप्स हैं या नहीं है, वो कहेंगे अंकल किसी के अंदर कुरानदाजी में उम्रे का टिकट टिकन रहे, हाँ 2 हल्दी के पैकेट के ऊपर अगर आप CRAC कॉपी डालकर पीओ बॉक्स नंबर 1024 पर दे दें तो आप उम्रे के टिकट के लिए कुरानदाजी में आ जाएंगे, अंकल 2 हल्दी के पैकेट दे, घर में जरूरत नहीं है हल्दी के पैकेट, वो किस पे जा रहे हैं, वो वैल्यू सीकिंग पे जा रहे हैं। ये तमाम तौर कौम मुफ्ते कहलाई जाती है, ये मुफ्ते होते हैं फुल टाइम, सही है, ये वो कौम होते हैं जो कूपन पे पिज्जा खरीदते हैं, और पिज्जा भी कैसा खरीदते हैं, ऐसी दुकान का खरीदते हैं जिसके अंदर वैसे कोई नहीं खरीदने के लिए जाता, 2 लार्ज पिज्जा खरीदें और 15 स्मॉल पिज्जा और तकरीबन कोई 25 गार्लिक ब्रेड और तकरीबन 6 गैलन जो है वो आपको पेप्सी फ्री मिल जाएगी और आधी कंपनी का स्टेक भी मिल जाएगा 1200 रुपए, ये तो ऑफर होती है उन लोगों की। अगर आप कार्ड्स देखें तो ऐसे ही कार्ड्स चल रहे होते हैं ना जो घरों पे आते हैं पिज्जा बेचने, ठीक है, तो ये इस तरह की डील्स होती है। डील्स क्या है, ये डील्स असल में है कि आप लोगों को वैल्यू सीकर आपके अंदर से जगाना होता है। 50% फ्री गाड़ी के ऊपर आपको 70% ऑफ या 30% ऑफ या अलकरम के ऊपर ऑफ लग जाता है, ये सेल लग जाती है, क्या हरकत है, ये क्या बताना चाह रही है, सिर्फ वैल्यू सीकर को अट्रैक्ट कर रहा है। भाई वो सूट जो 2500 का था वो आपको 50% डिस्काउंट में 1250 में मिल रहा है, कॉम लब बैक कह देगी
नहीं जरूरत है, सही है। 90% खवातीन, सही है, 90% खवातीन, मैं खवातीन को थोड़ा सा टारगेट करूंगा क्योंकि शायद सेल्स आजकल खवातीन के प्रोडक्ट पर ज्यादा लगती, मर्दों को वैसे ही निकाल के बाहर फेंक दिया, सोसाइटी से निकाल के बाहर फेंक दिया, हमारी इज्जत ही नहीं, ठीक है ना। जूतों पे कभी सेल नहीं लगी, खवातीन के जूतों पे सेल लगती, ठीक है। हजरात के कपड़ों पे बहुत कम, अगर सेल लगती भी तो वो इतनी कम होती है देखने का दिल भी नहीं चाहता। पहले अब तो दुकानों में, वैसे मैं कहता हूँ मेरा ये वो है हक की आवाज वाली बात हो रही है, किसी भी दुकान पे जाओ, अभी किसी दुकान की क्या बात करते हैं, कल हरीम ने बोला था ना कि उसको आउटफिटर्स पसंद है, आउटफिटर्स वाज सपोज्ड टू बी मेन आउटलेट, सही है यार। बच्चे आ गए, आंटी बच्चियां आ गई, आंटी आ गई, अरे वो अब हम लड़का हजरात का तो 4 या 5 आयल होते हैं भाई, बस उसी में कपड़े, उसी में आपके टी शर्ट, उसी में जैकेट, उसी में आपके ट्राउजर, उसी के अंदर जूते, बस खत्म। हजरात साइड पे हो बेटे, तुम लोगों को ज्यादा तो बेचने की जरूरत ही नहीं, 3 तो कलर पहनते हैं हम, ब्लैक ब्लू ग्रे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बस ऐसे 4-5 कलर निकाल के चिपका देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर। ओ बच्चो ये लो, छोटी किड्स मार्केट ये ले, खवातीन वो देखें, इसलिए हम दरवाजे के पास ही खड़े हुए, फायदा ही नहीं अंदर जाने का। जे डॉट देख लो, मर्दों की दुकान खवातीन की और हजरात की चीजों से भरी हुई है, मर्द बेचारे कहाँ हैं, सही है। तो मेरे ये मैं बता रहा हूँ, एक साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, ये एक साजिश हो रही है और हम लोगों को उसका जवाब देना है। एनी तो अब ये जो लोग है ना, ये तमाम तर जितने भी वैल्यू सीकिंग एलिमेंट्स हैं, ये तमाम तर वैल्यू सीकिंग एलिमेंट्स के लिहाज से आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, टोटल जाके दुकानें गिनो, ठीक है, उसे देख लो हजरात की कितनी है, 10% होंगी सिर्फ, 90% दुकानें खवातीन की या बच्चों की। ना हमें ड्राइवर बना दिया भाई, बच्चों में ड्राइवर या हमें कैरियर बनाकर रख, साइकी इस तरह की है ना, क्या क्या उनको पता है यार, हजरात को डालने की, हजरात को वो सेल देने की जरूरत ही नहीं है, देंगे तो कितने लोग, कितने मर जाएंगे ऐसे, ठीक है। खवातीन पर डालो इंशाल्लाह फाका होगा, तो उनको पता है यार, अगर आप लॉरियल की एक ट्यूब के अंदर 5% आप एक्स्ट्रा डाल दें कुछ, ओहो सेल्स पागल हो चुकी होगी, ठीक है ना। यही चीज होती है, ये होती है वैल्यू सीकिंग एलिमेंट, ठीक है। मुफ्ते तो जितने भी लोग सेल में जाके चीजें खरीदते हैं ना, आप लोग मुफ्त हैं, कूपन पे चीजें खरीदते हैं मुफ्त है, आप लोगों ने कोई पैकेज करवाया हुआ है, ठीक है, 25 रुपए में 2 GB मुफ्त हो, जाहिर सी बात है, पर जीबी पे, पर एमबी पे करके दिखाओ, हिम्मत है तो सही, एसएमएस पैकेज तो हमें सबको ना उन्होंने बनाया हुआ है, सही है, मुफ्त बनाया हुआ है, वैल्यू सी। फोर्थ आर द ब्रांड लॉयल कस्टमर्स, ठीक है, और वो ब्रांड लॉयल कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो कि फुलिशनेस की एक्सट्रीम पोजीशन पे, जैसे कल आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप ऐसे कुछ लोग ब्रांड लॉयल थे, तो आज आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग बेवकूफी की एक इंतहा को पहुंचे हुए होते हैं, सही है। क्योंकि आप दुकान वाले अंकल के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे अंकल आपके पास लेज हैं, अंकल कहेंगे बेटा नहीं है, अंकल कब आएंगे, बेटे 2 दिन बाद आएंगे, अंकल मैं लेज के बगैर मर जाऊंगा, मुझे लेज के अलावा और कुछ नहीं खाना, बेटे आप क्रिस्प खा लें, अंकल नहीं मैं क्रिस्प नहीं खाऊंगा, अंकल बेटे आप बिस्किट खा ले, अंकल मैं बिस्किट भी नहीं खाऊंगा, मुझे लाकर दे, बेटे मेरे पास नहीं है, अंकल कुछ भी करे मुझे लाकर दे, बेटे मैं आपके लिए कल अरेंज कर सकता हूं लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होगा, अंकल आप मेरी जायदाद ले ले, मुझे चिप्स चाहिए, मासत के बेटे अगर चिप्स 20 रुपए वाला मैं आपको 30 रुपए में दे दूं, अंकल 30 क्या 300 में दे दो यार, मैंने वाला चिप्स खाने, बेटे तुम पहले कहां थे, मैं कहीं और था, मैं आपके पास आ गया, जाओगे तो नहीं छोड़ के मुझे, नहीं अंकल कसम अल्लाह पाक की नहीं जाऊंगा, मुझे बस चिप्स ला दे, वह बेटे अब अभी आ, और 20 की चीज 300 में चिपका देगा जी। अरे अरे मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, आप शुक्र करें अल्लाह का कि आप लोग ऐसे नहीं है फिर, सही है, मैं बता रहा हूँ आपको, बकायदा ब्रांड लॉयल्टी इस एक्सटेंट तक पहुंची हुई होती है, सही है।
यार मैं एग्जाम्पल दूंगा तो फिर बोलोगे कि सर हम एग्जाम्पल जैसे देते हैं, ऐसा तो नहीं होता भाई। आप लोग रिलेशनशिप में होते कहाँ कहाँ के वादे नहीं करते आप लोग एक दूसरे के साथ, सही है? जिस दिन ब्रेकअप होता है उसके अगले दिन क्या कर रहे होते हो, बैश कर रहे होते एक दूसरे को और किसी दूसरे के साथ बात कर रहे होते हो, तो ब्रांड लॉयल्टी होती है नहीं होती है आप लोग? अरे मैं देने वाला था लेकिन मैं 14 फरवरी के आसपास हूँ, इसलिए हम वही ना एप्पल सेब छिछोरा। अब यही तो मसले हैं सारे के सारे यार, यही इसी तरह की बातें होती है। मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को काट लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, तुमने अगर छोड़ दिया तो। अभी ये क्या बदतमीजी है, इश्क के किस हद पे पहुंचे हुए हो आप? किसी इंसान की इश्क के इस हद तक पहुंचते तो आपको मोहब्बत कहा जाता है, ठीक है? लेकिन आप किसी ब्रांड की संग मोहब्बत में पहुंचे हुए होते हैं ना, आपको चूजा कहा जाता है, जिसको असल में हम ब्रांड लॉयल कहते हैं, सही है? तो पॉइंट ये है कि कंपनीज ऐसे चूजे सर इश्क में बाकी है और कुछ है। भली मोहब्बत क्या बात करती लड़के, फॉर एवर अलोन आई एम विद यू ब्रो। तो देखो इश्क जमीन से होना चाहिए, मुहब्बे वतन पैट्रियोटिक, क्या पढ़ा है इसके मटेरियलिस्टिक चीजों में, सही है ना? तो अब चीज ध्यान में रखो, हमारे पास 4 तरह के कस्टमर्स आ गए। रैंडम नीड, नीड है ठीक है, अल्लाह खैर सलाह, नीड पे काम करना है, अल्लाह खैर सलाह, प्रोडक्ट से कोई देना देना। नंबर टू हैबिचुअल या फ्रीक्वेंट कस्टमर्स, ब्रांड इंक्वायर करेंगे, मिल गया 100 बिस्मिल्लाह, नहीं मिला टेंशन नहीं है, इक्वली हैप्पी इक्वली सेटिस्फाइड एंड वेरी क्विक सब्स्टिट्यूशन विदाउट एनी डिले। नंबर फोर, नंबर थ्री वैल्यू सीकर, मुफ्त ऑफर्स भी जाते हैं। नंबर फाइव ब्रांड लॉयल चूजे, ठीक है नेक्स्ट लेवल के चूजे, कंपनी क्या चाहती है बताओ, किस तरह कस्टमर चाहती है, रैंडम हैबिचुअल वैल्यू सीकर या ब्रांड लॉयल? अब बली से ये वाले काम यहां तो ना पूछो ना, हरीम बता देगा, प्राइवेट में बता देना बली इसको जो आपने मुझे बताया था अपने काम। चलो जी बताओ कौन से वाले कस्टमर्स की जरूरत होगी कंपनी को, रैंडम हैबिचुअल वैल्यू सीकर या ब्रांड लॉयल? हाँ चूजे की, बिल्कुल सही चूजा, तो चूजा कौन है बली जरा मुझे बताओ, ब्रांड लॉयल, क्या बात है। सबसे मुश्किल कस्टमर कौन सा है, सबसे मुश्किल कस्टमर टू हैंडल और टू टू फाइंड और टू 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 कन्विंस, सबसे मुश्किल कस्टमर कौन सा है? सबसे आसान कस्टमर, मकसद हमने टारगेट तो देख लिया कि एक सेकंड हरी मैं बताता हूँ, एक सर जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मिल जाए नीड पूरी हो जाए जिसकी। अच्छा मैं बात देखो कंपनी करती क्या है, हजरात और खवातीन से गुजारिश है अपने आंसर अपने पास रखें, 2 मिनट मेरी भी सुन लें, घर में कोई नहीं सुनता इसलिए आप लोग भी नहीं सुन। क्या बोला? हाँ देखिए कंपनी का 4 में से 3 एक साइड पर और 1 एक साइड पर, यानी कि ब्रांड लॉयल एक साइड पर। अब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि इन तीन को कन्वर्ट किस में करना है, ब्रांड लॉयल में कन्वर्ट करना। कौन सा कस्टमर इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल टू कन्वर्ट इनटू ब्रांड लॉयल कस्टमर, ये मैंने पूछा। सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन कस्टमर जो है वो आपका है रैंडम कस्टमर, सबसे मुश्किल। अच्छा भला क्यों, उसको फर्क ही नहीं, पहले कन्विंस करो उसको इस बात, ठीक है कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना ये जरूरी, कहता है मुझे प्रोडक्ट से लेना देना ही नहीं है, वही तो नीड से मतलब है, नीड पूरी हो रही है, अल्लाह खैर सलाह, तुम्हारा प्रोडक्ट मिल गया ठीक है, दूसरा मिल गया वो क्या ठीक है, ठीक है? तो ये रैंडम कस्टमर इज द मोस्ट डिफिकल्ट कस्टमर, क्योंकि उसको ब्रांड की रिकग्निशन होती ही नहीं है, सही है? अच्छा उसके बाद जो मुश्किल कस्टमर होता है वो होता हैबिचुअल, क्योंकि उसके पास ब्रांड डिफरेंट ब्रांड्स की उसके पास डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। तो टॉप मोस्ट मुश्किल तरीके कस्टमर जो होता है वो रैंडम होता है, उसके बाद जो रिलेटिवली आसान कस्टमर होता है वो हैबिचुअल या फ्रीक्वेंट कस्टमर होता है, क्योंकि उसे ब्रांड के बारे में मालूम जरूर होता है और उसको बाकी ब्रांड्स के मतलब भी बात होता है, तो वो ब्रांड
कॉन्शियस जरूर होता है लेकिन ब्रांड एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो इजीएस्ट है, सबसे ज्यादा इजीएस्ट है ब्रांड लॉयल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, सही है, वो कौन सा है? वैल्यू सीकर, क्योंकि उसकी आदत वैसी खराब कर चुके हो, ठीक है ना। तो ये वो तमाम तर चीजें जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब जो हमने बात कर ली है इन चारों के बारे में, इन चारों के बारे में हम लिख लेते हैं और फिर हम अगले टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? सर रैंडम वाला ज्यादा चीप प्रोडक्ट नहीं ढूंढेगा? हाँ वो भले ढूंढ ले, उसको प्राइस वगैरह से कोई मतलब नहीं, उसको बस अपनी नीड पूरी करनी है। पर ठंड लग रही है यार, सही है, ठंड लग रही है। अब आपको जैकेट अरमानी की मिल रही है या जीरो ब्रांड की मिल रही है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से। आपको ठंड लग रही है और आपको जैकेट पहननी है, अल्लाह खैर सब ना, कहने का था पैसा सब, ठीक है, मेक सेंस। अरे क्वेश्चन आंसर हो गया, गुड। अब जितने भी लोग ब्रांड लॉयल है ना, वो तीन लोगों सोचेगा जरूर कि आप कितने बड़े चूजे हैं किसी भी चीज के बाद। होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ को, जिंदगी को आसान बनाने के लिए पहला जो फॉर्मूला है मेरे लिहाज से वो ये है, यू शुड नॉट बी ब्रांड लॉयल टू एनीथिंग, सही है। अगर आप ब्रांड लॉयल हो गए समझो आप गए। ये चीज हम लोगों ने लास्ट पढ़ी थी। अब हम लोग जो है ऑन ट्वेल्थ, भाई कल के रिजल्ट्स माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे आए हैं नवंबर के, और इट डजंट मीन के आप जो हैं आप भी नवंबर में पेपर दे, लेकिन रिजल्ट्स वर वेरी गुड माशाल्लाह। सही है, जो आपने फोकस ऑन नीड एंड हैव नो कंसर्न होगा ना। हाँ जी, और धोनी दिखा
वैल्यू सीकर्स वो कस्टमर्स भी होते हैं जो जिनके पास कूपन पड़े हुए होते हैं और बिला वजह में जाके खा कर आते हैं। यार बर्गर के कूपन पड़े एक्सपायर होने वाले, चलिए खा के आते हैं, अभी भूख नहीं है, चलिए खा के आते हैं, मतलब जाया हो जाएंगे यार, ये बिला वजह में ऐसे जाते हैं। सही है, ठीक है जी। सो चीते स्वैग मुक्ते एंड चूजिंग, तो अब ये चीज है मैं रखना है, कंपनी वांट्स टू हैव एज आई सेड बिफोर कि कंपनी वांट्स टू हैव क्या नाम है इसका, ब्रांड लॉयल कस्टमर्स। सो ये ब्रांड लॉयल कस्टमर्स को लाने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो कस्टमर होता है वो ओरिजिनली आपके पास क्या नाम है इसका, रैंडम कस्टमर होता है, ठीक है, और ये इसी वजह से लिखा हुआ है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसके लिहाज से एक छोटी सी जो है इसके साथ अटैचमेंट करनी शुरू करूं, तो दैट बी फाइन थिंग आई गेस। ठीक है, सो इट्स एन इजी वन।
ठीक है जी। सो हैबिचुअल कस्टमर्स जो हैं दे आर डिफिकल्ट बट रिलेटिवली दे बेसिकली इज एन इट्स वेरी पॉसिबल इट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान में रखना कि आपके पास जो अगर मैं बल्कि इस जगह पे रखूँ ना तो इसको इजी नहीं लिखना, इट्स इजीएस्ट। ठीक है, तो वैल्यू सीकर का कन्वर्जन जो है वो इजीएस्ट है क्योंकि वो वैसे ही उसकी आदत खराब कर चुके होते हो। ठीक है ना, तो अब ये याद रखो कि कंपनी जो है ना वो ओरिजिनली आपको ऑफर्स देती ही इसलिए हैं कि आप लोगों की आदतें खराब करें। ठीक है, वो आपका अच्छा नहीं चाहती, मैं आपको बता दूं कब कोई कंपनी आपका अच्छा नहीं चाहती, वो असल में अपना अच्छा चाहती है। और इन डूइंग सो अगर वो आपको थोड़ा सा इल्यूजन में रख ले तो बस इतना काम होता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। सही है, हैबिचुअल कस्टमर्स जो बेसिकली कस्टमर्स के बारे में होते हैं वो डिफिकल्ट जरूर होते हैं लेकिन पॉसिबल है, और रैंडम कस्टमर्स लिटरली दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि उनको कंसर्न, पहले तो उनको ये बताना है कि प्रोडक्ट की भी इज्जत है, यानी ब्रांड भी कुछ होता है, पहले तो उनको ये टीच करना होता है ना, उनके जहन में तो होता ही नहीं ना कि ब्रांड होता क्या है, बाढ़ में गया। यानी मकसद ये वो कॉम है, मकसद मैं रैंडम कस्टमर के बारे में ये बात करता हूँ, ये वो पान खाने वाली कॉम है जो बफर जोन में जाएगी, कौन में पीक फेंकेगी, वो PECHS में आएगी पीक फेंकेगी, वो डिफेंस के किसी मॉल में जाएगी पीक फेंकेगी, वो दुबई चली जाएगी या USA चली जाएगी या यूरोप चली जाएगी, वहां जाके भी पीक फेंकेगी। भाड़ में जाए बेटे, तुम्हारा इतना साफ है, इसमें मेरी एक पिचकारी क्या मसला कर रही है। ये वो कॉम होती है, इनको पहले समझाना पड़ेगा, पहले एटिकेट सिखाने पड़ेगा, मेरा बेटा ब्रांड भी कुछ होता है, इसमें पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, सो इसमें काफी जरिए चीते होते हैं फुल टाइम के साथ। सही है जी, तो खैर बुक में ये चीते स्वैग मुक्ते और चूजे नहीं लिखते, यानी एग्जाम में वो पेपर वाला आपको घर बुला लेगा, लेकिन बेटा ये तुमने पढ़ा किससे, कौन इस तरह की बदतमीजी वाले वर्ड्स पढ़ाता तुमने, खैर तो फिर मेरा नाम ले लीजिएगा, कहता है ओहो इसके तो कई बड़े बच्चे पढ़े। खैर ये बाकी टर्मिनोलॉजी थे, तो कल इंशाल्लाह ताला वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मार्केट्स व्हिच इंक्लूड्स द नीश मार्केट एंड मास मार्केट, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्रोचेस। ठीक है, कि वो मार्केट ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड देन एसेट लेड वाली कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली टुमारोज टारगेट एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, एनी क्वेश्चंस? जी जाइए, चलिए जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज।